सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। यस, तो सबसे पहले वीडियो होम लोन के रिलेटेड क्यों बना रहे हो, ऐसा सबको पहले एक क्वेश्चन आएगा। तो द थिंग इज़ दैट कि मैं आपसे ऐसा स्टार्ट करने वाला हूँ कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर जो भी एक्सपीरियंस किया है, क्या जो भी चैलेंजेस या फिर डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज के मैंने जो चैलेंजेस डिफिकल्टीज फेस की वो आप लोग फेस ना करो। सो यस, सो रिसेंटली अभी जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई होप कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों को ये हेल्प करेगा ही करेगा। सो द थिंग इज़ दैट के होम लोन है, और चीज़ जैसे कि मार्केट के अंदर सारी बैंक से प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड बहुत सारी है, तो वो लोग क्लेम करते हैं कि वो लोग आपको होम लोन्स अब प्रोवाइड कर देंगे बहुत ही कम रेट में, ये वो फलाना ठिकाना। बट वॉट हैपन्स कि जब सच में होम लोन प्रोसेस होता है, आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस ले लेते हैं, फिर धक्के खाना स्टार्ट हो जाता है। सो मैंने जो फेस किया था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ऐसी है कि आप अगर नई प्रॉपर्टी के अंदर होम लोन लेना चाहते हैं, सो इट इज़ वेरी इजी, आपको कोई भी बैंक प्रोवाइड कर देगी क्योंकि उसके पेपर्स एकदम क्लियर होते हैं। बट बात आती है पुरानी प्रॉपर्टी की, जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया और जो मुझे डिफिकल्टीज फेस हुई थी, वो मैंने भी वही वही चक्कर में पड़ गया था आप लोगों के जैसे, मीन्स बहुत सारे लोगों के जैसे, कि कोई भी बैंक दे ही देगी लोन, ऐसा सोच के मैंने एक बहुत ही बड़ी बैंक है उसके अंदर अप्लाई कर दिया। उन लोगों ने भी प्रोसेस के अंदर ले लिया, पर समहाउ मुझे लगा कि 10-15 दिन, 20 दिन हो गए, उन लोगों ने मुझे सेंक्शन लेटर भी दे दिया, बट प्रोसेस के अंदर कुछ अपडेट नहीं मिल रहा था। एंड कंसल्टेंट को फ़ोन कर रहा था, बैंक वालों को फ़ोन कर रहा था, प्रॉपर आंसर भी नहीं दे रहे थे, कंटाल गया, थक गया मैं, गया यार जॉब संभालू, फैमिली संभालू, यार होम लोन के लिए दौड़ा दौड़ी करूँ। सो उसको मैंने क्रॉस मार दिया। उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूँ। सो सबसे पहले मेरे दिमाग के अंदर आया कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे ऑलरेडी किसी ने पहले लोन लिया हुआ है उस एरिया के अंदर, तो मेरी ही प्रॉपर्टी जो मैं अभी परचेस करने वाला था वो उन लोगों ने पहले HDFC में से होम लोन लिया हुआ था। सो आई थॉट कि चलो वहीं पे मैं अपने ट्राई कर लेते हैं। मैं तो ये पहला पहला धक्का मैंने HDFC के अंदर इसलिए क्या खाया कि मैं इंक्वायरी करने गया। सो इंक्वायरी के अंदर बेसिकली ऐसा हुआ कि डायरेक्टली मैं बैंक के अंदर चला गया, मैंने उन लोगों को प्रॉपर्टी का डिटेल दिया, उन लोगों ने मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए रहेगा, X Y Z 1 2 3 4 5, ऐसा करके लिस्ट दे दिया एंड चार्जेस और सब कुछ समझा दिया। सेम डे घर आया, मैंने मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, उन लोगों ने सॉफ्ट कॉपी मांगा था तो ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू सारा शेयर कर दिया। प्रोसेसिंग फी समथिंग अराउंड 3000 प्लस GST था, तो वो भी पे कर दिया। दूसरे दिन मेरा होम लोन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पहला जो उसका प्रोसेस रहता है वो टेक्निकल रहता है, उसके बाद कुछ लीगल रहता है, ऐसा कुछ रहता है। सो समवेयर मेरा लोन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मिल गए, बट मुझे थोड़ा लगा कि 4-5 दिन हो गए अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो मैंने मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे उनसे कॉल किया कि भाई क्या हो गया, क्यों मुझे कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। सो ही रिस्पॉन्डेड कि भाई HDFC लिमिटेड एंड HDFC हाउसिंग लिमिटेड का मर्जर हो रहा है, सो उसकी वजह से 4-5 दिन प्रोसेस में डिले हो रहा है। फिर भी थोड़ा डाउट लगा कि यार नहीं, ये गलत बोल रहे होगे तो शायद। सो व्हाट आई डिड, मैंने ऑनलाइन कंप्लेन कर दिया, HDFC के ट्विटर हैंडल के ऊपर कंप्लेन कर दिया, एंड दे आर रियली वेरी क्विक, उन्होंने 2-3 दिन के अंदर प्रॉपरली चेक करके मुझे अपडेट भी दे दिया कि नहीं, जो मेरे कोऑर्डिनेटर बोल रहे थे वही सेम रीज़न था, बाकी कोई इश्यू नहीं था। एंड उसके बाद तुरंत मेरा 2 दिन के अंदर वापस वर्क स्टार्ट भी हो गया था। अब क्या हुआ, तो पहला धक्का जो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड था, दूसरा धक्का जो मेरा था वो एक अप्रोक्सीमेटली 1 वीक या 10 दिन के बाद था, जिसके अंदर क्या करना था, तो मेरे जो सारे प्रॉपर्टीज जो थे उनके सेलर को मुझे लेके जाना था वहाँ पे बैंक पे, एंड उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई करवाने थे। तो ये दूसरा धक्का था मेरा बैंक के अंदर। अब हो गया दूसरा धक्का, जिसके अंदर उन लोगों ने लीगल डॉक्यूमेंट सारे मेरे चेक कर लिए, वेरीफाई कर लिए, एंड लीगल प्रोसेस उन लोगों ने इंटरनली स्टार्ट कर दिया बैंक के अंदर से। फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि अब आप आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है जो कोर्ट के थ्रू, वो सारा रजिस्टर के वहाँ जाके करवा दो, एंड हम आपका चेक को रेडी करने का प्रोसेस इंटरनली कर रहे हैं। सो लास्टली 15-20 दिन और लग गए, और उसके बाद लास्ट जो थर्ड धक्का था वो मैंने खाया HDFC के अंदर, जिसके अंदर मैं और मेरे सेलर दोनों गए थे, एंड थोड़ी देर के बाद मिस थोड़ा उनका जो इंटरनल प्रोसेस रहता है, फाइल साइन करना, ये वो फलाना ठिकाना,
वो सब कुछ हमने कर दिया एंड अप्रॉक्सीमेटली टू अराउंड 1 आवर, तो एक घंटे के अंदर अंदर उन लोगों ने सारी फाइल्स में सिग्नेचर करवा दिया। मेरा जो प्री ईएमआई था ना, जो होता है अपना ईएमआई ऑटोमेटिक डिडक्ट जो होता है हर महीने, वो वाला प्रोसेस और सब कुछ जो रहता है वो कर दिया। एंड यस, मेरे जो सेलर को देने वाले चेक थे वो मुझे देने वाला जो चेक था वो सब कुछ उन्होंने रिलीज कर दिया उस दिन। सो बेसिकली 3 धक्के के अंदर मेरा पूरा होम लोन प्रोसेस हो गया, ना ही कोई कंसल्टेंट, ना ही कोई डिले, ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्चे। ओके, सो यस, आई रियली अप्रिसिएट HDFC की पूरी टीम एंड मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे उनको भी मैं बहुत ही अप्रिसिएट करूँगा, उन्होंने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया। एंड यस, इट होल ये पूरा जो प्रोसेस था वो अप्रोक्सीमेटली 25 से 27 दिन जैसा टाइम लगा। सो यस, जो भी लोग आपको बताते हैं कि भाई 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर होम लोन मिलता है, नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है, कम से कम 1 महीना गिन के चलो। बट यस, आपके जो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए तो 1 महीने के अंदर अंदर भी आपका होम लोन प्रोसेस हो ही जाता है। सो यस, आई रियली अप्रिसिएट HDFC टीम अगेन। एंड अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी पर्सन HDFC के अंदर होम लोन अप्लाई करना चाहता है तो आई रियली हाईली रिकमेंड दैट। एंड मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी कंसल्टेंट या फिर जो ये कंसल्टेंट यानी आप समझ गए होंगे जो एजेंट्स रहते हैं उनके थ्रू मत जाइए, आप डायरेक्टली HDFC के अंदर चले जाइए, डॉक्यूमेंट्स शेयर कीजिए, वो लोग आपको पूरा गाइडेंस देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। अब सेकेंड थिंग, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको प्री EMI यानी प्री इंस्टॉलमेंट जो आपको देना होता है या फिर कैसे किया जाता है वो सारा भी मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।